वो मैंने आप सारे कह लग पे भी तैं कुड़ी ने गलत काम किया, तैं कुड़ी का रेप किया, तैनू 3 लाख रुपया दे। ठीक है भी तू कहती मैं रेप का परचा कराना, मैं तू करा दे जरा रेप का परचा कराना, जब परचा दर्ज ता हों जे मैं तेरे शरीर संबंध बनाए होगी। आ वाली तस्वीर जी है ये किसी होर व्यक्ति की है, तुम देख सकते हो कि ये मांग च संधूर भुपिंदर जी नहीं पा रहे, कोई होर लड़का पा रहा भुपिंद ब्याह करवाया से ईद नाल कराया मेरे तो ब्याह कराने बाद 2019 हाँ जी पहला 2012 च इन्हें ब्याह कराया, 2019 च महीना ब्याह कराए ने, 2019 सच्चे दिल वालियां दे पल्ले बस रोना रह गया है। अज तुहानू एक इहो जिहे नौजवान की कहानी सुनावांगे जिन्हूं इंस्टाग्राम और फेसबुक से प्यार करना बहुत महंगा पै गया। विपत्ती नवांशहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी, तुसीं शेयर तो अंदाजा ला लैंदे हो वीडियो किस बाबत होने वाली है। दोस्तों तुहानू पता है कि पिछले समय विच जदों साडी जनरेशन तो पहली जनरेशन सी रिश्ते जिहड़ियां ताइयां चाचियां करवाउंदियां सी कि जां रिश्तेदार करवाउंदे सी, पर हाल की घड़ी असीं इंस्टाग्राम फेसबुक ते फिल्टर कीते हुईआं तस्वीरां देख के प्रभावित हो जाने तो अपने मन च खाब ख्याल बना लें कि यार एहो जी वोटी होनी चाहिए है मेरी, जो जहा मेरा पति होना चाहिए, खूबसूरती कली देख के अपना झुकाव दूसरे पासे लै जाने। पर कई बार नहीं बहुती बार हुण देखिया है कि बहुत ज़्यादा धोखा धड़िया होंदिया ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से फिल्टर कीती हुई फोटो वाले ज़्यादा धोखा करते हैं। यहो जिहा धोखा एक नौजवान के नाल होया, नाम भुपिंदर है, किशनपुर पिंड है भाई जी साढ़े नाल ने, तकलीफ बहुत है, 2019 तो ही भटक रहे हैं इंसाफ के लिए, अज साढ़े को आए ने और असं इन्हों थोड़े रूबरू करते हैं। पहले इन्हों का स्वागत कर दे फिर पूरी पीड़ सुना गे, बहुत निघा स्वागत है सर। ठीक है भाई जी, भाई जी की दर्द है की मानता, क्योंकि आप बिहाइंड द कैमरा भी गल कर रहे थे, तुम दस रहे हो कि 2019 तो लख रुपए तो बधेरी जी रकम है जिन्हें थोड़े न फ्रॉड किया दे भी चुके हो और हले भी भटक रहे हो इंसाफ के लिए। सर 2019 तो लैके मैं हुण तक का काफ़ी समा दुआ कर सकियां, इस तो पहला ही नहीं इंस्टाग्राम से मैंने यदि गल हुई सी। की नाम की है लड़की का? रूबी ना जी, जलंधर की रहने वाली है ये, तो इंस्टाग्राम से मैंने मैसेज इन्हें मैंने रिक्वेस्ट भेजी, चलो मैं मैसेज इधर उधर होने लग पे, व्हाट्सएप नंबर आ गया, तो उस तो बाद चौथे पांचवें दिन मैंने मिलने जलंधर सद लिया। मतलब 3-4 दिन थोड़ी इंस्टाग्राम पर गल होंगी, चौथे दिन तुम मिलने की एक दूजे को कोशिश कर दो, तुम्हें मिलने लिए बुलाते हैं। उन्हें कहा भी चल तुम मैं इतने आकर जलंधर मिल के जाओ, भी मैं आप फेस टू फेस देखते हैं गलबात करते हैं, तो उस तो बाद अभी जलंधर चल गए। जलंधर गए उत्थे मेरे जाने तो पहले उन्हें होटल से रूम बुक किया वा सगा। सॉरी मैं तुम्हें टोक रहा, जब तुम जलंधर गए उस तो पहले एक दूजे ने प्रपोज कर दिता सगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उन्होंने किया कि तुम? उन्होंने किया सगा जी। तो उस तो बाद गए उत्थे, चलो उन्हें गड्डी खड़ाई अपनी, गड्डी सानू बिठाया, बिठा के बस अड्डे मैं बसे गया सगा जी, बस बिठा के बस अड्डे तो उत्थे नाले कोई होटल है उत्थे लै गई रूम के मैं, उत्थे थोड़ा टाइम रोकने तो बाद कहती चलो थोड़ा मैं अपने फ्रेंड ना मिलानी है, तो उत्थे गए असी बाहर आए, चलो आए तो फ्रेंड खड़े उदे, तो वो मैं आद सार कह लग पे भी तैं कुड़ी ने गलत काम किया, तैं कुड़ी का रेप किया, बई सानू 3 लाख रुपया दे तू। जी पर जो तुम इतों गए हैं तुम्हें तो कोई अंदाजा नहीं हो कि इन्नी जल्दी 4 दिन बाद ही कुड़ी मैनू बुला रही है, पर तुम होटल जा रहे हो, होटल पहुँचते शक जहा नहीं हो गया 4 दिन बाद ही होटल बुला लिया और असं होटल बैठ के गल्ला भी कर रहे हैं? सर मैं शक तो नहीं हो, मैं इन्हें कहा भी आज आप बहने उ रूम के बच्चे कल्ले बह के 10 मिनट गल करा, तो उस तो बाद फिर आप खाव पीएंगे होटल के बच्चे चलते हैं उत्थे बैठा कोई पंजाब की गल करिए, नॉर्मली होंगे कि मुंडा कुड़ी अजक जी गल सुन चाहती है कि मुंडा कुड़ी फोर्स करता कि आज आप मिलना है, कुड़ियाँ ज़्यादा इग्नोर कर दी, पर नवा केस देख रहे हैं कि जी लड़की है वो लड़के नूं कह रही है कि आओ होटल चल के बह के गल कर दे, तो थोड़ी शंका नहीं हुई सी? नहीं शंका सी सर मैनू, पर ए ना पता था भी कुड़ी ए करूगी, तो मैं जदों उत्थे होस्टल दे विच गए आपां तां बड़े प्यार नाल मेरे नाल गल कीती, गड्डी जे बिठाया तो मैं पुछया भी गड्डी कीदी आ, तो कहिंदी साडा ड्राइवर है ये, तो उस तो बाद सानू होटल दे विच लै के चले, वो छड्ड के चल गया, तो होस्टल दे विच छड्ड के चल गया, चलो उत्थे थोड़ा टाइम रुकण तो बाद चलो असीं बाहर निकले, तो कहिंदी चल आया थोड़ा मैं अपने फ्रेंड नाम भी बना दिनी है, मैं कहा चलो मिला दो, तो चलो फ्रेंड आए आँधी सारे मैंने कहने लग पे तैं कुड़ी ने गलत काम किया, तैं कुड़ी का रेप किया, भी सानू पैसे दे, प्लैनिंग पूरी तैयार सी जी उन्हां दी, तो उदों मैं कुछ नहीं सोचा, घबरा गया था बहुत, मैं भी हुण करा तो करा कि मैं कहा भी वीरे मेरे को इन्ने पैसे नहीं है हजे, ठीक है तो भी मैं नहीं दे सकता इन्ने पैसे, इन्होंने 5 लाख की गल की सी मेरे ना, तो 3 लाख साड़ी फाइनल हो गई थी,
ते 3 लाख उन्होंने शरीरक संबंध बनाए से होटल में? सर शरीरक संबंध कोई नहीं बनाया। ठीक है, जो शरीरक संबंध बनया हों तो मुड़ के उस तो बाद मैं फोन करने शुरू करते जब उदो मैं इन्होंने कह के आ गया भी मैं कोई गल नहीं थोड़ा थोड़ा टाइम रुको मैं टाइम दो भी मैं थोड़ा पैसे दूंगा। तो उस तो बाद मैं फोन पर फोन करने शुरू करते तो उस तो बाद जो फोन कर ला भी मैं क्या भी जाते ना मैं कोई गलत काम नहीं किया। ठीक है भी तू कहती मैं तो रेप का परचा करा मैं तू करा दे जो रेप का परचा करा जब तक परचा दर्ज ता हों जे मैं तेना शरीरक संबंध बनाए होगी जब मैं किसी सब पास्यों सच्चा ही हाँ तू मेरे पर परचा कितना दर्ज करा दूंगी मैं करा दे कोई गल नहीं है। तो उस तो बाद मैं थोड़े दिन बाद ही पता लग गया जो अखबार च मैं खबर देखी मेरी खबर लगी भी कुड़ी ना। पर भुपिंदर जी वैसे गल तो पुछनी चाहना जो तुम होटल च गए हाँ होटल च फिर तुम जी एंट्री की होनी है और रजिस्टर से चैक नहीं करवाया पुलिस वाले जाके के देखो असी तो अपनी मर्जी ने दोए जाने गए हैं दोए बालक हाँ तो मेरे ते रेप का इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे नाल खुद गई है उस फुटेज भी दिखा सकते सी। सर पुलिस वाले ने कुछ सुनी नहीं पुलिस वाले साढ़े घर ही जाते घर दबके मारते मुंडा पेश करो अपना कितने थोड़ा कुड़ी का रेप किया उन्होंने कहा भी कोई गलत इदा नहीं सर गल ही हुई है भी कुड़ी के नाते उत्थे कमरा बुक है भी कुड़ी नू सारा पता है भी तुम जांच पड़ताल तो कर लो उन्होंने कोई जांच पड़ताल नहीं बिना किए सोचे समझे दस दे रहे हो कि कमरा कुड़ी के नाते ही बुक सी। हाँ जी हाँ जी कुड़ी के नाते बुक से जी वो कमरा। ठीक है बिना जांच किए मेरे परचा देता जी तो जो मेरे पे परचा हो गया मैं डरता सगा मैं मैंने हूँ जब परचा ही हो गया मैं जेल तस्वीर भी खिंचिया होटल दिन जो तुम बाहर आए थे कि ने कुड़ी नहीं फ्रेंड्स ने नहीं नहीं तस्वीर का नहीं मैंने पता खिंचिया कि नहीं खिंचिया तो उन्होंने सीधी आन सारे इदा अपने बेचक ध्यान हो गए तुरे हो आप है ना तो आन सारे उन्होंने मैंने पैसे की मांग की थी। हाँ जी घबरा गया था उदो मैं बहुत घबरा जाता एक सार जब तुम किसी मिलने जाने एक तो अपने तो बहर जाने वो तो उत्थे जाके थोड़े सीधा एकदम शोट जहा लग जाता बंद भी हाँ ये क्या बनया मेरा उस तो बाद की हाँ जी उस तो बाद गया फिर मैं उस तो बाद होया कि उस तो बाद बस उतों मैं आ गया इन्होंने कह के भी भाई मैं चलिया घर में कोई नहीं मैं थोड़ा टाइम समा दो मैं पैसे दूंगा तो पैसे देने की अखबार च अपनी तस्वीर देखी फिर उस तो बाद की होया अखबार च खबर देखी उस तो बाद मैंने फोन लगाया मैं भी तू आ क्या किया कहीं तू मेरा फोन नहीं चकता सगा तू कहता भी करा दे जो कराना है मैं परचा दर्ज करा दता भी हूँ तेन मैं अंदर ही फसाऊंगी मैं जे मैं अंदर चल गया तो तेन तो पैसे मिलने नहीं है भी तू पैसे कितों ले लूंगी तेरा तो कोई फायदा नहीं होना मेरा अंदर जाने का तो कहती फिर कहती पैसे दे दे कोई गल नहीं आप तेन राजीनामा कर लवेंगे मैं ठीक है कुछ समा दो मैनू तो इन्हें मैं कि थाने दर्ज कराया काठगढ़ थाने होया था जी परचा। हाँ जी एस आई हंसराज ने किया जी परचा दर्ज काठगढ़ थाने किया उस तो बाद चलो गल गुल हुई है तो इनू नवांशहरा सद्या मैनू इन्हें उत्थे 50,000 दिता फिर मैं परचा यार किसी सामने दिता कि चुप चुपीते देता सर चुप चुपीते दिता मैं कहता सगा भी घर दी बदनामी मेरी बदनामी तो डरदा मैं जो अखबार च फोटो आ गई फिर तो बदनामी हो ही गई तो परचा हो गया फिर सारे सामने देने से पैसे तो मैं फिर घबराया वा था सर मैं भी चलो ऐसे गल निबड़ जाए छे छेती भी हम नवा नवा काम है नवा नवा इतने निबड़ जाए तो वधिया जा है ना जी तो उस तो बाद 50,000 देता इनू मैं 50,000 देने तो बाद कहती कोई नहीं भी आप चलो कर दे गल करके तेन दस दी मैं फोन पर तो उस तो बाद फिर थोड़े दिन बाद सदे ने तो उस तो बाद फिर 50,000 दिता फिर भी ना मनी कहती पैसे थोड़े होर 50,000 दे मैनू लख देता दो बारी 50,000 करके फिर उस तो बाद तीजे चौथे दिन बाद मैं इनू फिर आया उत्थे 30,000 रुपया फिर दिता इनू मैं 30,000 तेन मैं हूँ तो 50,000 की मांग की थी कहीं 50,000 लैके आई मैं 50,000 बने मेरे को थोड़े जहाँ भी चलो जिन्हें अरेंज कितों करते क्योंकि तुम भी जिम्मे तुम दस रहे हो कि माली हालत बहुत ही ठीक नहीं है पैसे ने अरेंज कितों किए सर घर काम है मेरा आपका डंगर का जी दुध का काम करता जी मैं तो जिदा आई जाते घर दिन हिसाब अपने रखता मैं अपने चीज़ कोई गाय लिया सेल करती कोई बेचती कोई लिया इदा ही करता सर बहुत मेहनत करते और उस तो बाद जो पैसा भी थोड़ा उधरले पास जा रहा। हाँ जी हाँ जी तो उस तो बाद चलो मैं कहा 30 तेन पैसे या 30,000 रुपया मेरे को है हजे बाकी तेन पैसे बाद चो मैं आ 30,000 भी ता देना भी जे तू मैं लिख के दे कोई प्रूफ दे भी तू मन को पैसे तो पैसा ले ही जानी है भी मेरे को क्या प्रूफ है पैसे लैन तो बाद भी तैयार परचा चली गया फिर मैं कितने जाऊँगा किनू दसूँगा क्या करूँगा तो उस बाद इन्हें मैंने कहा कहीं इदा कर भी तेरे को चैकबुक हैगी बैंक की मैं भी बैंक तक मेरा खाता नहीं खोलिया तो कहीं खाता खोलिया नहीं तो कहीं इदा कर फिर कोई मैंने समान दे दे कीमती भी जेरा तेन बाद मोड़ दूंगी तू मैं दुआ कर दे मैं राजीनामा लिख के दे दी हाँ तो मैं इन्हू कहा भी मेरे को कीमती समान भी कोई नहीं है मैं तेन कहड़ा दे देव तो चलो उस तो बाद कहती मेरे को एक आइडिया है भी तेरा ही प्रूफ हो जाऊ मेरा ही प्रूफ हो जूगा भी आप चल बैठ गड्डी च चलो मैं गड्डी बैठा मैं दसो अं जाना कितने कहीं हुशियारपुर कहती उत्थे जाके आप उदों तक झूठा ब्याह करा लें जे तो तू मैं पैसे दे दूंगा बाकी दे मैं तेन देख के तलाक दे दूंगी जे तो नहीं मैंने पैसे दते मैं तेरे तलाक तक इस करके पैसे ले लूँगी तो उत्थे गए गुरुद्वारे च हुशियारपुर चले भी गए हाँ जी थानू उ नहीं लगे गल में उस तरह की माला पा रहे हो किसी वेले भी टक लग सकता धौन उड़ जानी है
सर घबराया वा बहुत सेगा जो बिना रेप किए थे कुछ किए बगैर उन्हें सलाह ले लेंगे किसी वे वे किसी यार दोस्त की सलाह ले लेंगे सर किसी दसिया नहीं मैं कहा जो कि गल चल गई तो गांह तो गांह गल बहुत ज़्यादा हो जानी है तो किसी को घबराया वा मैं किसी को गल ही की मैं कहा इदा की गल कर शर्म भी आती सी अपने आप नी मैं हूँ कि गल करा हाँ जी तो चलो उत्थे गए हाँ उत्थे आ गुरद्वारा जी हुशियारपुर गुरद्वारे जाके अपनी पीठ दसनी सी गुरद्वारे वाले सर गुरद्वारे गए तो इस दे नाल एक ज्योति लेडीज़ थी तो एक इहदा होर सके जिहड़े फ्रेंड सके तुहानू दस्सदा मैं उह तो उत्थे गए हैं जाके उत्थे पाठी ने कोल बैठे हैं इन्हें समान सारा रखे तो पाठी ने कुछ नहीं पूछे किसी आ मैनू कहिंदा आ गया ब्याह कराउण मैं कहा हाँ जी तो उन्हें जानते ने मेरे पग बन्ना पाठी खुद पुछ रहे आ गया ब्याह कराउण पाठी खुद पुछ रहे ब्याह कराउण फिर मैं पाठी नूं कहा मैं कहा भाजी भी इदां करके भी मेरे नाल माड़ा धक्का हो रहा तुसीं इदां करो भी मुकर जो ब्याह कराउण ते भी इहदा कोई फ्रेंड मंगा लो जां इहदे घर दा मंगा लो दो चार बंदे तां होणे चाहीदे कोई ना कोई तां उह कहिंदा कोई चक्कर नहीं हाँ जी तो उह कहिंदा कोई चक्कर नहीं कहिंदा तूं आ जा आपां नूं बस उपर गुरद्वारे लै गए बस मैनूं फड़ के कहिंदे लावां लै लै जदे वो चूड़ा पा के दिखा दो जी इन्होंने पर फिर भुपिंदर जी परचा जो तो रेप तक तो उन्होंने तो कैंसल हो गया कि नहीं हो गया सर वो ही हो गया जब हाँ जी हाँ जी वो कैंसल हो गया था फिर ये अपनी स्टेटमेंट देखी थी ना जज मोहरे जी पर जो तो परचा कराया सी रेप का उसके लिखाया की गया वो हरासमेंट तो सज़ा कराने की मांग की गई सी इंसाफ की मांग की गई सी कि यह क्या गया सी ब्याह करो इन्हें यही गल कही सी भी मैं तो इन्हें ब्याह करवा लिया भी मेरा हूँ हसबैंड वाइफ हो गया सी तो हसबैंड वाइफ होने तो बाद असी हूँ भी अपना राजीनामा कर लिया भी हूँ असी परचा दर्ज नहीं कराना मैं मेरा ब्याह राजी हो गया भी ये चलो नाल दी नाल तस्वीर आ वाली तस्वीर जिहड़ी है ये किसी होर व्यक्ति की है तुसी देख सकते हो कि ये मांग च संधूर भुपिंदर जी नहीं पा रहे कोई होर लड़का पा रहा भुपिंदर जी ये भी घुंडी जी साडी जनता तक जी जरूर ऑडियंस तक सन्मुख करो ये इंद्रजीत मुंडा जी भाल टकलां दा ते इहदे नाल भी फेसबुक के जरिए टच च आई है फेसबुक के जरिए टच च आ के उस गुरद्वारे जिथे मेना लावा कीतियां मेरे तो बाद उस गुरद्वारे फिर जाके इन्हें इतने लावा अं पाठी ने नहीं तो कुछ पूछे हाँ जी हाँ जी ताही पाठी पाठी रलिया भाई बिल्कुल नाल रलिया भाई दे पैसे लेंदा इन्हां ते मतलब ये भी विआह कराया तुहाडे तो तलाक ले बिना ये विआह करा लिया कि तो इन्हां नाल पहला विआह कराया तुहाडे नाल बाद च कराया नहीं सर पहला नहीं मेरे तो पहला इहदी ब्याही हुई थी 2012 च विआह कराया था उस बंदे कोल भी रही है दो दिन रही है उहदियां तस्वीरां तुहानूं मैं दिखा दिंदा आह तस्वीरां आईआं मैं इह चीज़ तां जिहड़ी आ जाहिर कर रहे हां कि इन्हां नाल विआह करा लिया लेकिन इस लड़के तो तलाक नहीं लिया होया और इन्हां नाल विआह कदों कराया जी इन्हां 2012 च विआह करवाया सीगा जी इहदे नाल भी 2012 च ते इहदे नाल कदों ईद नाल कराया मेरे तो ब्याह कराने तो बाद 2019 हाँ जी पहला 2012 च इन्हें ब्याह कराया तो 2019 च मेरे ब्याह कराए ने तो 2019 च इस मुंडे ने कराया इंद्रजीत भालटकल वाले का देखो ये टैक्नीकली आप अगर गल करिए इन्हों तो तलाक ले बिना इन्हों ब्याह करा लिया इन्हों तो तलाक ले बिना इन्हों ब्याह करा लिया तो यह तो आप फिर खुद फ्रॉड कर रहे हैं अगर आप तस्वीर के बिहाफ से गल करिए हालांकि असं किसी एलीगेशन नहीं लाते पर तस्वीर यही बयान कर रही ने जो सर्टिफिकेट ने वह भी दिखा दो भुपिंदर जी आ सर्टिफिकेट है जी उस गुरुद्वारे का इतने कितने मेरे साइन नहीं है कितने रूबी दे उन्होंने आपे लेके आपे देता प्रधान साहब ने नहीं नहीं प्रधान साहब के थले नीचे सैन उपर साढ़े कितने सैन देख लो रूबी दे नहीं किते मेरे नहीं सैन किते इंद्रजीत दे दे ही हैं वह भी सर्टिफिकेट से भी आपे सैन करके आपे दे देंगे एक तरह का नैक्सस लग रहा तुम्हें हाँ जी हाँ जी षड्यंत्र किया जाता सारे जने रल के कोई टीम है बनी हुई सारे इन्हें टीम है पूरी टीम है जी मैं तो यही कहना भी इन्हें पूरी टीम को सज़ा मिलनी चाहिए है ठीक है ता कि होर किसी मेरे वर्गे इदा का कम ना हो एक बार तुम अपनी तस्वीर भी द्वार की दिखा दो फेरे लेंदे हैं दी जा फेरे लेंदे हैं दी के बैठे हुए दी जी गुरुद्वारा साहब विच बैठे हुए ने आ गुरुद्वारा साहब दी ये आशीर्वाद कौन दे रहा जी ये तस्वीर ये नाल ही है जी रूबी दे नाल ही आया बस हैगा इहदा मैंबर ही है कोई जी जी तस्वीर तुम देख पा रहे हो जी एक तुहाडी दोनों कल्लियां दी तस्वीर भी सी वह भी दिखाओ तुहाडी दो दो जाने दी आ पाठी है जी आ पाठी दे मैं वो घबरा गया था चक्कर आया तो पाठी ने बांह से फटके मैंने खड़ा किया भाई देखो तुहाडा पक्ष इन्नी स्ट्रोंगली सुनने की भी वजह है उसका कारण यह भी है कि तीन विआह दी तस्वीर तो खुद ही दिखा रहे हैं और हुण तुहाडी लास्ट वारी उन्होंने कदों गल हुई है कि ना जी रूबी दे नाल रूबी ना सर मेरी कोई गल नहीं उस तो बाद जो मतलब परचा कैंसल करा गई सी मेपर भूमिसल दरखास्त दी भूमिसल दरखास्त देने तो बाद नंबर सब अपने बंद कर ले सके एक होर वाक्य दस रहे थे कि ये कह रहे थे कि मेरी सस ते मेरी ननान मैनू कुटदे ने वह वाक्य जरा साझा करो ऑडियंस इन्हें कहा दरखास्त दी वूमन सैल भी मेरी सस ते मेरी ननान मैनू तंग करदे कुटदे मारदे है दाज दा एलीगेशन लाया साडे ते जदों कि साडे घरी तां एक दिन भी नहीं गई है ते साडे पिंड च भी पता कर सकदे जाके ब्याह ही झूठा है हाँ जी ब्याह ही झूठा सीगा जदों ते वूमन सैल आके असीं दस्सिया सारी मैडम स्टोरी भी ये कहिंदी मेरी सस ते ननान मैनू तंग करदे है
ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ 2011 ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਪੀ ਨੂੰ ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝਿਓ ਜੀ ਗੱਲ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੀ 2011 ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2019 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਣਦ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਰ ਐਸਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਮੈਡਮ ਦੇ ਆਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾਸਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਤ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਮੇਨਾਂ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਮ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਪਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕ ਦੂਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਚੌਥਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਂਜੀ ਚੌਥਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7-8 ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਸੋਣਾ ਮੇਰਾ ਬਿਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਐਸਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਪਛਾਣ ਲਓ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਜਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਐਸਆਈ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਹੈ ਪਤਾ ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਛਾਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆਂਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛਾਣ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਊਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ 2019 ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਐਂਡਲੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ 2021 ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਚੰਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਵਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦੂਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪਰ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਰਚਾ 420 ਦਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ 420 ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ ਕੱਦ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਹੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਖਾਤੇ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਇਹਦਾ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਾਂ 5 ਮਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰੂਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 35-36 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੈ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਰੂਬੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਟਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਪਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋ ਹਨ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕਰੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਰੌਲਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਪਲੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੈਨ ਕੁਈਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨ ਯੂਅਰ ਹੈਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸੇ
और उम्मीद करते हैं कि जल्द तो जल्द इन्हें जड़ा इन्होंने पक्ष रखे उत्ते कार्रवाई होगी, इन्हें पैसे भी वापस मिलेंगे और बाकी नौजवानों भी जड़ा सिक्योर किया जाएगा ताकि इस लेडी के भुलेखे कोई होर आके अपना नुकसान ना कर ले। तुम बने रहना भी बत्ती नवा शहर अपने छोटे भी दिनेश सूरी कैमरा परसन विजय कुमार तो भुपेंद्र को इजाजत दो, बहुत जल्दी फिर हाजिर होवांगे। सत श्री अकाल।